नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ZEELO को WDG 4G के इंजन को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले देखेंगे पावर सिक्योर है। पावर सिक्योर है तो तेल, पानी और ल्यूबल का प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में सारे दरवाजों को बंद भी कर देंगे। इंजन को स्टार्ट करेंगे हम कैब नंबर वन से। इस इंजन को स्टार्ट करना सबसे सुविधाजनक रहता है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कैब नंबर टू के EC2 को। सारे ब्रेकर्स ऑफ रहेंगे, इस पर इंजन कंट्रोल स्विच का ऑफ पे होना सुनिश्चित अवश्य कर लें। EC2 सारे ब्रेकर्स देखिए ऑफ है। हम आ गए कैब नंबर वन। EC1 में देख रहे हैं फर्स्ट रो के सारे ब्रेकर्स ऑफ हैं। EC1 के सारे ब्रेकर्स ऑफ होने चाहिए। ये सेकंड रो में भी सारे ब्रेकर्स ऑफ है। थर्ड रो के ब्रेकर्स आप देख रहे हैं, साइड से दिखाया गया है, सारे ब्रेकर्स ऑफ है। फोर्थ रो के भी सारे ब्रेकर्स ऑफ किए हुए हैं। इंजन कंट्रोल स्विच ऑफ है। कंट्रोल असिस्टेंट लोको पायलट साइड में तीनों ब्रेकर्स। अब हम सबसे पहले बैटरी लाइफ स्विच को लगाएंगे। EC1 के नीचे के दरवाजे को खोलेंगे। EC1 के नीचे जो दरवाजा है उसको खोलेंगे। इसमें बैटरी लाइफ स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले हम बैटरी लाइफ स्विच को ऑन करेंगे। बैटरी लाइफ स्विच को ऑन करने के बाद में EC1 के फोर्थ रो के सबसे नीचे वाली रो, फोर्थ रो के सारे ब्रेकर्स को ऑन कर देंगे एक एक करके। सारे ब्रेकर्स को ऑन कर दिया है। थर्ड रो के ब्रेकर्स को आप मैनुअल के अनुसार ऑन करना है ना। ऑन नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। इंजन कंट्रोल स्विच को आप आइसोलेशन पर ले लें। इंजन कंट्रोल स्विच को आइसोलेशन पर लेना सुनिश्चित अवश्य कर लें। कंट्रोल स्टैंड पे कंट्रोल ब्रेकर को अवश्य लगा लें। उसके बाद में आपके सामने स्क्रीन खुल के सामने आएगी। परफॉर्मिंग पोस्ट लॉन्चिंग एप्लीकेशन, ये आपके सामने स्क्रीन खुलना चालू हो जाएगी। इस प्रकार स्क्रीन खुलती है तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से थर्ड रो एयर ब्रेक संबंधी सर्किट ब्रेकरों को आप ना लगाएंगे तब भी इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन कंट्रोल सिस्टम अटेम्प्ट 1 चल रहा है। आपको इसमें एक एक स्टेप को लाइव दिखाया गया है इस वीडियो में, पूरा समझ में आएगा। आप वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, आप आसानी से इंजन को स्टार्ट कर पाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन विद कंट्रोल सिस्टम अटेम्प्ट 2 चालू हो गया है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। स्क्रीन पे आपको सारे मैसेज मिलते रहेंगे। अभी स्क्रीन पे आपको बिल्कुल भी लाइट दिखाई नहीं देगी इसके बाद में, और आपको वेट करना होगा लगभग 20 सेकेंड स्क्रीन ऑन होने का। आप इस बीच में कुछ भी नहीं करेंगे, किसी भी ब्रेकर को ऑन ऑफ नहीं करेंगे। बस आप खड़े हो गए और स्क्रीन ऑन होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही स्क्रीन ऑन होगा ऐसे ही हम इंजन को स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्क्रीन ऑन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही स्क्रीन ऑन होगी आपको ये पेनल्टी दिखाई देगी। ये 34 सेकंड की जो पेनल्टी आप देख रहे हैं, स्क्रीन भी सारी ऑन हो गई है। चारों स्क्रीन आपके सामने ऑन हो गई है और ये इंजन को क्रैंक करने के लिए आपको संकेत दे रहा है। आप इंजन को क्रैंक करवाएं। स्टार्ट पुश बटन को 3 से 4 सेकंड के लिए दबा के और छोड़ दें। जैसे ही दबा के छोड़ेंगे घंटी बजना चालू हो जाएगी। बेल इसकी चालू हो जाएगी। बेल की आवाज़ आपको कंटिन्यू सुनाई देगी। 2 से 3 मिनट का समय लेगा ये प्रोसेस में। बैटरी का करंट आपका 55 वोल्टेज होना चाहिए। बैटरी का 55 वोल्टेज होना चाहिए, कम से कम 55 वोल्टेज होना चाहिए बैटरी का। और 2 से 3 मिनट का समय आपको ये प्रोसेस में लेगा। उसके बाद में इंजन स्टार्ट हो जाएगा इसका। बस 2 से 3 मिनट आपको वेट करना होगा और ये अपना प्रोसेस खुद करेगा। बेल की आवाज़ आपको बराबर सुनाई देगी। बेल इसकी चालू रहेगी। आपको इस बीच में किसी भी ब्रेकर को छेड़ना नहीं है, किसी भी ब्रेकर से को ऑन ऑफ नहीं करना है। यदि ऑन ऑफ करेंगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इस बीच में आप बस खड़े होके और वॉच करिए सिस्टम को किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। पूरा हो गया, इंजन क्रैंक करने लगा है।
आपने देखा जैसे 250 एम्पियर से ऊपर पहुंचे तो इंजन क्रैंक के स्थान पर इंजन रनिंग आने लगा, इंजन रनिंग में आ गया था। तो दोस्तों इस प्रकार WDG 4G के इंजन को आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे इंजन स्टार्ट हो जाए तो लोको चलाने के लिए आप जो भी पेनल्टी लगती है उसे रिकवर करके और लोको को चला सकते हैं। लोको चलाने संबंधी वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप लोको को भी चला